एक्चुअली मुझे इन टर्म्स का ज़्यादा पता नहीं है, बट साउंड बहुत फेमिलियर थी, ऐसे जैसे यू नो विकी, जैसे विकी गाने बनाता है ना, बिल्कुल वैसे मुझे फॉर अ मोमेंट मुझे लगा जैसे विकी का गाना है. मैंने रियलाइज किया कि तुम गा रहे थे. बट विकी इज ऑल्सो वेरी गुड, आई मीन विकी इज वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा गाता है, प्रीटी फेमस ऑल्सो. तुमने सुना विकी को? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, क्यों? नहीं पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे स्टाइल को विक्की के स्टाइल के साथ कंपेयर किया. ओ नहीं 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 नहीं, विक्की मतलब विक्की अच्छा है. He's good, you know. है ना? यही तो मैं कह रही हूँ यार. He's so good. अलीना है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड. वो पागल है विक्की के पीछे. उसकी मेहंदी पे, माइयों पे, बारात पे, हर जगह, बल्कि ब्राइडल शावर पे भी विक्की का इतना बड़ा पोस्टर था. हमने सबने विक्की के गानों पे डांस किया. एंड आई एम टेलिंग यू, मुझे लगता है तलाक पे भी ना विक्की के गाने लगे. विक्की के जो यूट्यूब पे आती है ना वीडियो, उसपे सारे कमेंट्स अलीना के होते हैं. हर वक्त विक्की के बारे में, उसके स्टाइल वगैरह, हर चीज के बारे में वो इतना नोटिस करती है. वाओ नाइस. विक्की परफॉर्म करता है यहाँ? बकवास, यहाँ परफॉर्म करता है? नहीं. सुनो तुम मुझे प्लीज बता सकते हो कि उसका शेड्यूल, अलीना पागल हो जाएगी. तुम मुझे बता सकते हो कब कब आता है इसका, क्या टाइमिंग इसका? हाँ मैं पता कर लूंगा. सीरियसली? ग्रेट, बहुत आला यार. पता नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यू डोंट लाइक विक्की. ऐसी कोई बात नहीं है. आई सी विक्की, विक्की का जो फ्लो है, विक्की का जो स्टाइल है वो अच्छा है. राइट, तो वो बहुत अच्छा है. आई नो विक्की खुद जो है वो प्रोफेशनल पर्सनल पर्सनल पर्सनल. यार फिर आई एम सॉरी, मैं तो विक्की 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 शुरू की. विक्की 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 इट्स सो No, that's the house with the camera. Banwana hai aur saath wo sultana. Aur sab masle koi nahi hai. Aap chahe pura makan banwaye. Fir oh bhai gal. Le putr sirf ek room hai. Aur main se keh raha tha ki maal sara Ilyas se aana chahiye. Khan sahab, aap kaam shuru karwaye. Maal ki fikr na kare aap. Wah. Bajri kitni lag jayegi? खान साहब आप चाहे ना तो मैं आपके लिए पहाड़ काट कर ले आऊँ. ये बजरी पहाड़ों से आती है? नहीं, बजरी के बगात होते हैं. हाँ जी, कीड़े वाली बजरी. क्यों खा जाए बे? खान साहब चाय खत्म हो गई है, कप और मंगवा दें. गैस नहीं आ रही, आप रेट शेट बताओ, चाचा भी आपको बुला देते हैं. उतर मेरा ख्याल है एक ही कप में बात खत्म हो जाए तो अच्छा है. बेटा ये बताओ कि रेत का क्या रेट जा रहा है आजकल? रेत कौन सी चाहिए आपको, रावी की या चनाब की? ओ पुत्र, हमने कौन सा कमरे में कश्ती चलानी है, रिहायश रखनी है बेटा? ओ बेटा, हमने कौन से दरियाओं से रिश्तेदारी करनी है, तुम सीधे सीधे रेट बता. हाँ, जो चनाब की रेत है ना वो जरा मोटी और साफ होती है, और रावी की उसमें मिट्टी और कसू होता है. तो ट्राली कितने की आ जाएगी रेत की? रावी की जो रेत है ना उसकी ट्राली 30,000 रुपए की और चनाब की 40,000 रुपए की. पुत्र ट्राली समेत नहीं पूछ रहे, सिर्फ रेत का रेट पूछ रहे. हाँ साहब, मैं आपको रेत का रेट ही बता रहा हूँ. लिखो पुत्र 40,000. खान साहब, ये रेत डलवानी जरूरी है, मट्टी नहीं डाल सकते. कमरा बनाना है या कब्र बनानी है? ओ सो गया खैर वाली गल कर पुत्र, ये बता के रेत के साथ सीमेंट कितना लग जाएगा?
खान साहब, प्लास्टर के साथ आपकी 100 बोरी सीमेंट लग जाएगा। तो कितने की बोरी आ रही है आज? एक जो सीमेंट की बोरी है उसका रेट है 1200 रुपया। कितनी की बोरी लग जाएगी? आपकी तकरीबन 100 बोरियां लग जाएंगी जी। लिखो बेटा जी, 1200 के हिसाब से 100 बोरी। अच्छा, अब बेटा ये बताओ कि ये जो ईंट है, ईंट इसका क्या भाव चल रहा है? गुड गुड कॉफी। पता है ये मैं जब भी आती हूँ मैं यही कॉफी ऑर्डर कराती हूँ, लेकिन जो आज जायका है ना वो पहले कभी नहीं हुआ। आई थिंक शायद तुम्हारी वजह से प्रोटोकॉल दे रही है। बस आई थिंक कुछ ऐसे ही समझ लें। बड़ी बात है नू कि हम जैसे नाकाम आर्टिस्ट को भी ये लोग इज्जत देते हैं। नाकाम या कामयाब कुछ नहीं होता कभी, फनकार तो बस होता है जैसे नेचर है, बस है। फनकार तो बस है। तुम यहां परफॉर्म करते हो? करता था। था क्यों? अब क्यों नहीं करते? ब्रेक ली हुई है थोड़ी सी, कुछ नया काम करूंगा तो फिर। किस बात की ब्रेक? अभी तो तुमने वो गाना निकाला न्याला, इट्स अ प्रीटी गुड सॉन्ग। अच्छा है, लेकिन उस पे आई थिंक अभी काफी काम होने वाला है। सो यू नो आई नो राइट, इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। वैसे आपस की बात है, आपस की है ना। आगे आओ, अगर यहाँ परफॉर्म करना है तो प्रोटोकॉल क्या है? कोई इनरोलमेंट वगैरह होती है? साइन अप करना होता है? फीस नहीं, तुम्हें सिर्फ जोहरी से मिलना है, बात करनी है, वो आंखें बंद करके तुम्हें स्टेज दे देगा बस। तुम्हें लगता है कि वो मुझे स्टेज दे देगा? क्यों नहीं देगा? मैंने तुम्हारा पोटेंशियल देखा है, ऑफ कोर्स देगा। नो आई मीन प्रोफेशनली, तुम्हें लगता है कि मैं आई बी एबल टू डू इट? कर लो, एक सेकंड बल्कि तुम रुको, लेट मी कॉल जोरी अभी। अभी? हाँ। टिकट पे लगा। अच्छा, ज़ारा अहमद बैचलर्स का। हेलो, हाँ जोरी कहाँ पे है? इंग्लिश फ्लुएंट यार, रोमान के हाथों जलील हो रहा हूँ, फिर रोज के बैठ गया। अच्छा, वापस कब तक आ रहा है कैफे? 5:56 जब तक। हेलो, हाँ जब तक मैं रोमान के आगे हाथ जोड़कर नहीं कहता कि माफ कर दे मुझे और उसे साथ नहीं लाता। यार सही सही बता, वापस कब आ रहा है? मेरे सामने एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। हाँ तो मैं 1-2 घंटे तक आता हूँ, घंटे तक आता हूँ। तू वहीं बैठा ना? घंटे तक इधर ही, 2 घंटे तक बेशक आ जा, लेकिन तू घंटे में आ वापस। ठीक है, ओके। चल ओके। हाँ खुश आ रहा है वो अभी। हाँ कबीर साहब, आपका सीन है। ईंट कौन सी चाहिए खान साहब, अव्वल, डोम या सोम? लो जी, अब ये ईंटें क्या स्कूल जाती हैं खान साहब, ये अव्वल डोम सोम क्या होता है? अजी रिजल्ट कार्ड देख के लेते हैं जी, और ना मुरादा ये क्वालिटी होती है ईंट की। लेकिन अब्बा जी हमें कैसे पता चलेगा अव्वल है सोम है या डोम? सिर पे मार कर देख ले, सिर पाट जाए तो अव्वल, अगर गुड़म पाट जाए सिर में तो डोम, और अगर खराश आए तो सोम। लो जी, अब हम सवेर से शाम तक इटे मार मार के चेक करते रहेंगे कि कौन सी क्वालिटी की है। कितनी कोई ईंट लग जाएगी पुत्र एक कमरे को? दीवारें कितनी कितनी करनी है आपने? नॉर्मल सी, आजकल तो स्लिम और स्मार्ट का जमाना है। इस हिसाब से खान साहब आपकी बन गई कोई तकरीबन 1.25 लाख रुपए। लिखो दानिश जी, 1.25 लाख। अच्छा पुत्र, सरिया बताओ वो कितने का लग जाएगा? सरिया कौन सा लेना आपने, ग्रेड 40 का या ग्रेड 60 का?
और यहाँ तो सतारवा ग्रेड मिल जाए तो फ्राउन हो जाते हैं, तुम सठवें ग्रेड पे पहुंच गए हो। और तेरे शरीर का ग्रेड से क्या ताल्लुक है? तेरे शरीर ने क्या CSS किया हुआ है? वो एक ही बात है जी, दोनों तरफ ही सरिया है। मगर रेट क्या है? सरिया आपका खास साहब कोई 3 मन लगेगा, 2.5 लाख रुपए का। काफी बंद कर दियो बेच। खैर है मिर्जे, तू बड़ा टांगों में दुम दे के बैठा हुआ आज। हिना जी, हमें हैरत है कि आपने इस जालमाना फैसले की मुखालफत क्यों नहीं। कौन से फैसले की? यहाँ छत पर कमरे की तामीर के फैसले। तुझे क्या एतराज है? कौन सा तेरे मुंह पे कमरा बना रहे हैं? हिना जी, छत ना रही आप धूप कहाँ सेकेंगी? केड़ी तो पर? आज नहीं है, कल तो होगी। आप धूप नहीं सेकेंगी, ये सूरज क्यों कर निकलेगा? हवाएं किसे पैगाम देंगी? परिंदे किससे मिलने आएंगे? मिर्ज़े, कमरा बन रहा, कयामत नहीं आ रही। हमारे लिए तो कयामत ही आ रही है हिना जी। मैं आपसे कह दूं, ये मोहब्बत दीवारों में कैद नहीं हो सकती। किसकी मोहब्बत? अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवाया और यहाँ अमीर खान हमें सीमे तो बजरी की नजर करना चाहता है। ख्याली मिर्ज़े बास ख्याल, और वही ना, इतना अपने छोटे से दिमाग पे बोझ ना डाल। हिना जी, ये कमरा नहीं मकबरा बन रहा है हमारे दिल पर। मैं नीचे से तंग आके ऊपर आई थी और यहाँ तेरा यब शुरू हो गया। 2 घड़ियां मुझे सुकून कर लेने दे। अब तो यही चंद घड़ियां हैं, यही चंद घड़ियां हैं जो आजाद है। इसके बाद तो हमारे बीच दीवारें होंगी। और टिक के बैठ जा मिर्ज़े, यहाँ घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बन रही, कमरा कहाँ से बनना है। वाकई? तो और क्या, इतनी गुर्बत में कौन बनाएगा कमरा? हाथ उठाइए दुआ के, खुदा इस गुर्बत के सिलसिले को और दराज कर। तो फिटे मुँह तेरा मिर्ज़े। आमीन। चने ही दीजिए, फकत 4 दाने। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मोर कॉफी लाऊं आपके लिए? कॉफी मशीन ले आ, यहाँ घोट घोट के एक दूसरे को बनाते रहते हैं। चोरी फोन नहीं उठा रहा, ड्राइव कर रहा होगा। जो भी कर रहा है कुछ तो बता सकते हैं ना, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है, ट्रैफिक में फंस गया। मैंने तुम्हें यहाँ पे रोका हुआ है, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। आई डोंट माइंड, इट्स ओके। बेटा पहले किधर काम किया हुआ आपने? जी कतर, फीफा वर्ल्ड कप में। वो सारे पैप सारी टूटियाँ मैंने फिट की हैं। वो कतर कैसे पहुँच गया है? वो देखे जी, आपको पता नहीं है आपके पास कौन आया? उतरा उन्हें तुम्हारी फिल्म नहीं बनानी, छत पे एक बाथरूम बनाना है, आई मीन गोसल खाना, उसका बजट बताओ मेरा बेटा। वो तो जी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। वो तो मेले मौला पुत्र, मीठा बाथरूम नहीं बनवाना, मक्खियाँ ही ना मुक्कन। और मेरे कहने का मतलब है खान साहब, जितना खर्चा करेंगे उतना बन जाएगा। आप ये बताएं, देसी सीट लगानी है कि अंग्रेजी, पाकिस्तानी टाइल लगवानी है कि इटालियन, या उससे भी आला स्पेनिश टाइल? जकोजी बाथ टब बनवाना है, वाश टावर पे ग्लास कंपाउंड चाहिए, चेंजिंग रूम बनाना है। वाह क्या बात है। अपना प्लम्बर भाई, आपको कतर से आए हुए कितना अर्सा हो गया? यही कोई 6 महीने हो गए जी। तो लाहौर कब पहुंचोगे भाई? हमारे हिसाब से चीज़ें बताओ, ये क्या जकूजी वकूजी लगाई हुई है? एक तो यहाँ काम करने का यही नुकसान है। उधर सादा वाशरूम, कन्नी टूटी थले लोहे की बाल्टी, साला डोंगा सिर से पाई जावांगे। बस यहाँ काम का यही मसला। ठीक है जी, बन जाएगा फ्लश।
और साथ में खुरा भी बन जाएगा। और आप लोगों के पास गीजर तो होना नहीं है, सिंगल पाइप लगेगा और आखिर में प्लास्टिक की टूटी ही लगवाएंगे आप लोग, वो ख़राब हो जाएंगी हफ्ते बाद। फिर टाकियाँ लपेट के और छापर लपेट के काम चलाते रहना। अब इसने किया अपने मुँह वाली बात। और दूसरा, लोहे की पाइपों वाली भी रहने ही दें, वो किले ठुकेंगे तो दीवारें खराब हो जाएंगी। और खाली खाली हत्था बिच तेरी मुड़ के तू आ जा माही। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है यार। आई एम सो सॉरी, मुझे अगर पता होता था कि जोरी ने ये कर देना है तो आई वुड हैव सॉरी 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 सॉरी। तू क्या ख्वार बंदा है ब्रो, आई एम रियली सॉरी जी। इट्स ओके, बस लेट हो गया, लंबी कहानी है। फिलहाल आपको मेरे कैफे में एक महीने का खाना मुफ्त और ये तो वैसे ही बिल नहीं देता। अभी तो इज्जत रख लिया कर भाई। ज़ारा, ज़ारा अहमद। ज़ारा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं अली अहमद जौहरी। ऑफ कोर्स, इन्होंने बताया आपके बारे में। या वो याद है तुझे, मैंने बताया था इस्लामाबाद में गिग हुई है, स्टैंड अप लड़की एक थी, जस्ट किल्ड इट। आई रिमेम्बर, बिल्कुल याद है। और इनका सॉरी इनका तारुफ ये है कि हमारे कैफे को इनकी ज़रूरत नहीं, नहीं इनको हमारे कैफे की नहीं, हमारे कैफे को इनकी ज़रूरत है। मेरा कैफे सारा, दैट्स अमेजिंग। ये बंदा ऐसे किसी की तारीफ नहीं करता, खुद की भी नहीं। खैर आप ऑफिस में चलें, वहीं बैठ के बात करते हैं। बल्कि रोमान भी आया हुआ है अभी। तो आपकी उससे भी मुलाकात करवा देते हैं। ओके कम। तुम चल रहे हो? नहीं नहीं गो। ओके तुम यहीं हो? हाँ। ओके थैंक यू, गुड लक, बाय। नहीं लंघनी नहीं लंघनी मेरी जिंदगी तेरे बिना, नहीं लंघनी नहीं लंघनी मेरी जिंदगी तेरे बिना। दस की करा दस की करा, नहीं लंघनी नहीं लंघनी मेरी जिंदगी तेरे बिना, नहीं लंघनी। वैसे आप लोगों को यकीन है कि इस घर में बिजली आती भी है? ओ पुत्र, बल्ब और अगले पतंगे घेरने के लिए लटकाए हुए हैं, या ये चौसे बल्ब है जो लटक रहे हैं? जाहिर है बिजली है तो बल्ब लगवाए ना पुत्र। और ये जिस तरह की ये तारे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से बिजली गुजर भी सकती है। बहुत अच्छे भाई, खान साहब आज तो एक से बढ़कर एक कारीगर आ रहे हैं। अब आप ये बताएं आप क्या चाह रहे हैं? ओ पुत्र बात ये है, ऊपर अपने एक कमरा और साथ एक गुसलखाना बनवाना है। इस घर के ऊपर? नहीं, शाही किले के ऊपर, जागीर ने ठेका दिया है हमें। वो काका अपने इधर ही बनाना है अपने घर के ऊपर। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे मैं तो इसलिए कह रहा था कि पता नहीं इस घर के भी कितने दिन बाकी बचे हैं। खैर आप मालक हैं जी, आपकी मर्जी। इलेक्ट्रीशियन भी है और हल्का सा मनोज भी है। ओ काका, ओ पुत्र ऊपर जो वायरिंग करनी है एक कमरे के अंदर, उसका बेटे रेट बताओ और जैस जैस बताओ मेरा बेटा। और सारा ना टोटल करके बताना है, ये बल्ब स्विच तारे वगैरह, फिर हमसे नहीं जाया जाना छोटी मोटी चीज़ों के लिए बार बार। अब आप ये बताएं कि बल्ब लगवाने या ट्यूबलाइट्स? अब जी मैं तो कहता हूँ उस भी लगवा लें, सलीम के कमरे से निकल आएगा। जिस किस्म की वायरिंग है ना इस घर की, मेरी माने सेल वाली लाइटें लेके रख लें। पर हुआ क्या है इस घर की वायरिंग को, बिजली आती तो है। वो आती तो है भाई जान, जिस दिन तारों से बाहर आ गई ना आप लोगों को लग पता जाना है। ना बुरादा तारे लीक करती है। और ऊपर कमरा बनवा रहे हैं तो वायरिंग ना करवाएं? वो ज़रूर करवाएं जी, लेकिन उससे पहले पूरे घर की वायरिंग चेंज करें। ये तो तब की हुई है जब बिजली नई नई ईजाद हुई थी, इसमें मेरा कोई माली फ़ायदा नहीं है, पर आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। अगर ये पूरे घर की वायरिंग का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। खर्चा तो हो जाएगा जी, लेकिन आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, सोलर लगवा लें, बिजली की टेंशन ही खत्म। ये फॉर्म फिल कर लें, हम अपने तमाम आर्टिस्ट का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। ओके
और यार बाथरूम में टिश्यू तो रख दिया कर, बल्कि वो क्या कहते हैं पेपर टॉवल्स नैपकिन्स। ये रोमान है, इन्हें तो आपने देखा ही होगा। ऑफ कोर्स देखा होगा। बात सुन, सैंडविच का मूड हो गया, मंगवा ले। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू सर, मैंने आपकी सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं। रोमान हमारे सबसे सक्सेसफुल कॉमेडियन है, यू नो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज एज वेल। हम सब इनके फैन हैं, इनकी तो डेट्स ही नहीं मिलती आजकल। आई एम श्योर। और रोमान ये ज़ारा है, फ्राइज भी मंगवा दे। ज़ारा अहमद। और मज़े की बात यह है कि ज़ारा भी स्टैंड अप कॉमेडियन है। स्टैंड अप कॉमेडियन, भाई वाह। ये तो बड़ी न्यूज़ है, लड़कियाँ हंसा भी सकती हैं, रुलाते जलाते और ख्वार करते तो बहुत देखा है आप लोगों को। आई एम सॉरी, लगता है आप बुरा मानगी। प्लीज़ अब ट्विटर पर जाकर ना लिख दीजिएगा, रोमान इज सेक्सिस्ट। पीना कुलाड़ा भी हुआ। ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये नहीं रुकने वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स। तो ये सोलर में बिजली कहाँ से आएगी? और सूरज से? और अगर बदल आ गए तो टीवी का सिर्फ तेरी नसों में तुनेंगे हम। और बिजली तो इतनी होनी है कि चाहे वापडा को दे दो, वो सारे अमीर लोग यही कर रहे हैं। ये तो गरीब है जो अभी तक मीटर से जुड़े हैं। और खान साहब, बदलो अपने आप को। ये तो उधर सोलर का कितना खर्चा आता है? आपके घर का 10 लाख में हो जाएगा। ओ पुत्र, इधर से निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ मेरा बेटा। ओ काका, हम खा साहब है मगर 2 साल बाद हम लड़ पड़ते हैं, निकल जाओ मेरा पुत्र। ओ ना मुरादा, हम 8 लाख में पूरा कमरा नहीं बनवा रहे, तुम 10 लाख में सिर्फ सोलर लगाओगे। ओ खा साहब, इससे पूरे घर को बिजली मिलेगी, बल्कि आप वापटा को भी दोगे, इससे मुल्क की खिदमत भी होगी और माहौल दोस्त भी है। जेड़ा भलो लाल है। ओ काका पुत्र, ओ तू सिर्फ कमरे का रेट बता बैठे। सोलर कैंसल? ओ यार कैंसल है भाई, आखिरी बार कह रहा हूँ, एक तरफ सोलर है और दूसरी तरफ IMF की गुलामी। राजू का तुम्हें कहता रहा हूँ बेटा, हारमोनियम ना खरीदो, पिस्तौल खरीद लो, किसी वक्त कोई बड़ा बंदा घर में घुस सकता है। ठीक है जी, फिर आपने सोलर नहीं लगवाना तो मैं चलता हूँ। ओ भाई, वायरिंग का रेट तो बता दे। भाई वायरिंग का तो मुझे काम ही नहीं आता, मेरा तो सोलर का कारोबार है। तो फिर तू ऐसे अजय तो वो निकल जा पुत्र, तो निकल जा। और ला मुरादा, बड़ा तुम्हारा हाफ सेंचुरी पुरानी स्त्री जाता वो है। मौला करे तेरी मोटरसाइकिल का प्लग शॉर्ट हुई। और निकालो इसको बाद में मुराद को, ऊपर से झुकते एंजॉय कर रहा है। कैसा ना मुराद शोखा है, किसी पढ़े लिखे बंदे के साथ पुत्र इतनी देर मीटिंग की होती तो यही रिजल्ट निकल रहा था बेटा। अच्छा वैसे आर यू लाहौर बेस्ड? कभी देखा नहीं आपको परफॉर्म करते हुए। एक्चुअली मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में कॉलेज में परफॉर्म करती रही हूँ। मैं वहाँ पढ़ती थी तो एक दो दफ़ा कॉलेज में परफॉर्म किया। कमर्शियली नहीं किया अभी तक। कमर्शियली और प्रोफेशनली अब मैं करना चाहती हूँ। क्या नाम बताया था आपने अपना? ज़ारा अहमद। ज़ारा, अच्छा नाम है। तो मिस ज़ारा अहमद स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती हैं, अभी है नहीं, तो आप क्यों इनका तारुफ करवा रहे थे कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन है? तू रहने दे। सैंडविच का पता कर। बात यह ज़ारा, इसका तो मजाक चलता रहेगा कि हमारा कैफ़े और इसका स्टेज आप जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए ही है। आप कोई अच्छा सा कॉमेडी सेट बना कर लाएं, हम उसे वेट करेंगे एंड देन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, साउंड्स लाइक अ प्लान। अरे मिस ज़ारा आई हुई है तो अभी इनसे कुछ सुन लेते हैं। क्यों जी? अभी? अरे हाँ, आप स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, है ना, तो कुछ पेश करें प्लीज। ज़ारा कुछ मटेरियल है जो आप शेयर कर सकें? आई डू एक्चुअली। ओके यार, खड़े होके क्यों सुना रही हो, बैठ के सुनाओ, सबक थोड़ी सुनाना है। आप तो इससे तड़प रहे हैं जैसे मैं जोक नहीं आपकी मौत का फैसला सुनाने वाली। गुड वन। ओके सो
ये कहानी है अलीना के बारे में, जो मेरी कॉलेज की दोस्त है। यार छोड़ दो कॉलेज की जान, बड़ी होगी अब तुम। कॉलेज में अलीना अपने अब्बू के साथ रोज सुबह साइकिल पे आती थी। दोनों बाप बेटी ऐनक पहनते थे पठान वाली। अब आपको पता है जैसे ही मिडिल क्लास वालों का स्वैग 150 से ऊपर जाए। इतनी ड्रैग स्टोरी है कि मैं सो गया हूँ। और यार ये कॉमेडी सेट है या टेस्ट मैच? आके तो सुने। क्यों क्यों सुनो? मैंने नहीं सुननी। कॉमेडी हैज अ हुक, इसमें हुक भी कोई नहीं है। और मिस ज़ारा, एज अ कॉमेडियन तुम्हारा काम बनता है कि तुम ऑडियंस को सुनने पे मजबूर करो। एंड कॉमेडी स्टार्ट विद अ पंच, कोई पंच नहीं है। मैं इतनी बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग कहानी क्यों सुनूंगा? ज़ारा, कुछ और है दैट यू लाइक टू शेयर? एक मेरी अम्मी जो है वो लाइब्रेरियन थी। और लाइब्रेरी कॉलेज में होती है, और कॉलेज में मेरी फ्रेंड होती है अलीना। और यार ये स्टैंड अप कॉमेडियन सेट है या माय बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे? माफ कर दो। अरे क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई, भूल गई? ओ कहीं बेबी ने बुरा तो नहीं मान लिया? ओ हेलो, अगर तुम स्टेज पे खड़ी हो और कोई ऐसे बोले तो तुम क्या खामोश हो जाओगी? हेलो, ये कॉलेज नहीं है जहाँ पे तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारी फजूल कहानियों पे वाह वाह करेंगी। रियल ऑडियंस इज डैम क्रूअल, चीर फाड़ के रख देते हैं वो। रियल ऑडियंस को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो तुम में नहीं है। सैंडविच ले जाओ। जब आपको छोड़ा और वापसी पे सैंडविच ले आई। हाँ जी, कैसा गया? क्या हुआ? I'll see you tomorrow. Thank you for everything. रोमान यार हाथ हौला रखा कर। और नहीं था ब्रो, एक जोक नहीं था उसके पास। यार तू सुनाने देता तो सुनाती ना बेचारी। ऐसे ही चेक होता है कॉमेडियन के कितना पोटेंशियल है उसमें। यार हो सकता है उसमें पोटेंशियल हो। कौन सा पोटेंशियल? तू खुद बता, इन 5 मिनटों में उसने कोई एक जो फनी बात की हो। यार ऐसे थोड़ी पता चलता किसी के काम का। जोड़ी तुझे क्या लगता है, ये लड़की स्टेज पे कॉमेडी कर सकती है? तो स्टेज देकर देखते हैं ना, फैसला आवाम पर छोड़ते हैं। सही है, अगर तूने ऐसे ही रैंडम लोगों को स्टेज पे चांस देना ना, तो मैं यहाँ काम नहीं कर रहा। मेरी एक बर्थ है जो मैंने सालों में बनाई है। यार तू पर्सनल क्यों ले रहा है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि चांस देने में क्या हर्जा है। यार तू दे चांस, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो पार्किंग में टिकटों वाला बॉय है ना अपना, उसके पास भी 8-10 जोक्स होंगे, उसको भी चांस दे दे। लेकिन मैं ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकता जिसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। बस मैं तेरे पास सैंडविच खाने आ जाऊंगा। चल खा खा। यार आजकल हर बंदे को लगता है कि बहुत बड़ा फनकार है, लेकिन कॉमेडी करना बच्चों का खेल नहीं है। पीना को लड़ा नहीं आया? मंगवाता हूँ। सारा दिन आज चाय बनाने में चला गया। हाँ तो घर में काम जो शुरू हो रहा है तो ये सब तो अब रोज होगा। वैसे आपको लगता है कमरा बन जाएगा? इतना सारा खर्चा तो बता गए सारे,
कमरा तो जरूर बनेगा। भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। वसीम पा इनका तो पता है, ज़ारा के यहाँ आने पे राजी नहीं थे, शायद अभी भी नहीं होंगे। लेकिन आपको क्या हो गया? आप तो ज़ारा को रोजाना लंच भी बना के देती हैं साथ, अब उसका कमरा बनवाने के लिए इतनी जज्बाती हो रही है, सारा दिन उसके आगे पीछे फिरती रहती हैं, क्या हुआ आपको? तू दानिश के काम नहीं करती? दानिश तो बेटा है मेरा। ये भी मुझे मेरी बेटी लगती है, मुझे लगता है ये मेरी अपनी बेटी है। तुझे पता है कल ना मुझे मामी कहते कहते ना मम्मी कहने लगी। मैंने तो वसीम से कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए ज़ारा का कमरा तो ज़रूर बनेगा, उसके लिए चाहे मुझे अपना कमरा क्यों ना देना पड़े। लेकिन अपनी बेटी के आराम और सुकून के लिए ना मैं कुछ भी करूँ। अरे भाभी आपने फिक्र नहीं करती, ज़ारा का कमरा बनाने में हमसे जो भी बन पड़ा ना हम करेंगे, उसका कमरा ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है दादाजी। हाँ जी पुत्र जी। ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा 985,000 का, और अगर हम बिजली और पानी टाइल और पेंट वगैरह शामिल करें तो 12,15,000 का बनेगा। ओ पुत्र क्या फायदा हुआ तुम्हारे स्कूल जाने का? मेरे स्कूल में पढ़ने वाली बात कहाँ से आ गई? ओ बेटा वो अनपढ़ ठेकेदार जो है उसने कहा 8,00,000 में कमरा बन जाएगा, तुम स्कूल में पढ़ के 12 से ऊपर ले गए। मैंने खुद थोड़ी किए, जो आपने लिखवाए वही तो मैंने किए। ओ बेटा जी जरा दोबारा चेक करो मेरा पुत्र। अरे पुत्र इसको मशीन को रहने दो, मशीनें तो खा देती है, ये कागज पे दोबारा जरा देख। दादाजी आप जिस पे मर्जी हिसाब कर ले, कैलकुलेटर पे कर ले या कागज पे कर ले, रकम यही निकलनी है, कमरा इतने का ही बनेगा। ओ मेरे आप ही होगा, इधर दे मुझे दे। ये ले। ये पकड़ा जरा इधर। एक पुत्र। खान साहब खाना लग गया, आज खा ले। नहीं पुत्र तू जा खा जाके। खान साहब खा लो गरम गरम। आए 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 आए। पुत्र तू जाके गरम गरम आए 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 कर चल चावल। जाओ दानिश बेटे तुम भी खाओ। चल पक्की बात है नहीं खाना फिर? पुत्र मैंने तो नहीं खाना, मुझे लगता है कि तुमने मुझसे दो खा लेनी है। हाथ धो हुई ये इधर कमरा टोटल कितना बना? 12,00,000 से ज्यादा। 12,00,000 एक कमरे का? नहीं पूरे मोहल्ले का। ओ यार तूने एक कमरे का निकालना था ना, पूरे मोहल्ले का क्यों निकाला है? क्या गुम हो गया तुम्हारा, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? एक तो पूरे कमरे को ना कबाड़ खाना बनाया हुआ है, आइंदा अगर सेट से कुछ उठा कर लाए ना तो मैंने सेट कर देना। अभी तो सोने दो पर ये लोग, अभी क्या मसला है तुम्हारा? अगर साथ काम नहीं ना करवा सकते तो चुप रहो। अभी क्या कर रही है? कुछ नहीं। वसीम सो गया हूँ। जरा मुंह को हवा लगवा ले। सो गया हूँ मैं। उठता है क्या ठंडा पानी डालू तेरे पे? खुश रखे क्या बात करनी है? वो जो ज़ारा के लिए कमरा बनवाना है हमने, वो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। कलम दादा तो हो गया था सबको। ये जेवर बेच कर भी नहीं बनेगा क्या? लेकिन तेरे पास तो उस जेवर के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ तो मैंने क्या करना है, संदूकों में ही संभाल के रखना है ना इसे। अच्छा है ज़ारा का कमरा बन जाएगा, और वैसे भी माँ का जो जेवर होता है वो औलाद के ही काम आता है ना। लेकिन ये
लेकिन वेकिन छोड़ो और इसकी कीमत पता कराओ। भैया उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। हाँ तो यूं ही सब थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे तो बन जाएंगे पैसे। पता है आफरीन भी कह रही थी कि वो लोग भी मदद करेंगे। भैया अब उसे बेटी का है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि मैं सेठ साहब से बात करूं। बस सारा को ना अच्छा सा कमरा बनवा के दे ताकि वो यहाँ हमारे साथ खुश रहे। सही है। हिना, धूप सेक रही है? नहीं, लेले मुन रही हूँ। तो फिर दो मेरे भी मुंदे। वो ना गलती से खुला रह गया ताला। अपने कमरे और कानों को ना कभी हवा लगवा लिया कर, उल्ली लग जानी अंदर हर शय को। नहीं, हवा और धूप दोनों लगवाता हूँ, बस जब घर पे नहीं होता ना तो फिर बंद करके रखता हूँ। बिल्लियाँ बिल्लियाँ घुस जाती है ना तो गंदा कर देती हैं। तो बिल्लियों ने कुंडी खोल लेनी होती है, इतना बड़ा ताला लगाने की क्या जरूरत है? छत पे है ना कमरा, कुछ चोर वोर ना घुस जाए। तेरे कमरे से किसी ने क्या चोरी करना है? कौन से खजाने हैं अंदर? नहीं, खजाने तो कोई नहीं है, बस दिल को ना तसल्ली रहती है कि ताला लगा हुआ। तू पागल है? क्योंकि मैं ग्रीन हूं।